हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निक ड्यूट यूट्यूब चैनल। और HTML के इस ट्यूटोरियल में आज हम स्मार्ट कैलकुलेटर क्रिएट करना सीखेंगे। तो अगर वीडियो को शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्मार्ट कैलकुलेटर क्रिएट करने से पहले यहाँ पर हमें डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। हमने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। यहाँ पर न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे हमने क्रिएट किया कैलसी नेम का, इसे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे हमें तीन फाइल क्रिएट करना है, .html की, css की और javascript की फाइल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक html की फाइल क्रिएट कर लेंगे और इसके बाद हमें एक यहाँ पे css की फाइल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आप जिस नेम से भी चाहें वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, css की फाइल सेव कर दिया और इसके बाद से हमें एक जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे बनाना है, .js। ठीक है, इसमें हमें तीन फाइल्स की यूज, इसमें तीन फाइल्स का हमें यूज करना है। इसके बाद इसे सिंपली उसे ओपन कर लेंगे, इसे भी हम इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे जो HTML की फाइल है इसे भी यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, तीनों फाइल को यहाँ पे हम ओपन कर लिए। हमारी तीनों फाइल प्रॉपर ओपन हो गई है। देखिए यहाँ पे तीन फाइल की हमें यूज करना, तीन फाइल का यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे HTML की, JavaScript की और यहाँ पे CSS फाइल की। तो यहाँ पे सोर्स कोड हम आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। और जो सोर्स कोड है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया और इसके CSS फाइल्स को भी यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसका बेसिक वीडियो जितना भी है मैंने पिछले वीडियो में बना दिया, आप उस वीडियो को भी वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम आती हो तो। ठीक है, और इसको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे ऐड कर देते। ठीक है, इतने फाइल्स जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद अलर्ट है, यहाँ पे जब भी वो कैलकुलेटर ओपन करेंगे, आप रन करेंगे तो वहाँ पे ओपन कैलकुलेटर का ऑप्शन आएगा, उसके बाद से दूसरा अलर्ट होगा लेट अस गो, तो वो हम आपको रन कराते टाइम बताएंगे। फिर यहाँ पे index.html है, हमारा नॉर्मल index.html है। यहाँ पे बटन का है, फिर यहाँ पे इनपुट टाइप, ये सब मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी सब कुछ। ठीक है, कि कैसे कैसे ये सब वर्क परफॉर्म किया जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अभी तो ये नॉर्मल हमारा HTML की फाइल हुई। इसके बाद यहाँ पे .js की फाइल है और CSS की फाइल है। इन दोनों फाइलों को हम index.html में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना होता है लिंक आरियल। अगर इसका बेसिक वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई का बटन वहाँ पर ऊपर प्रेस करके भी वहाँ से देख सकते हैं कि उसका बेसिक वीडियो कैसे है और उसको कैसे यहाँ पे हम HTML, वो जावास्क्रिप्ट की फाइल को और CSS फाइल को अपने HTML फाइल में ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और देखेंगे जिस नेम से भी यहाँ पे सेव है, हमें कैलसी नेम से सेव था .css। ठीक है, ये हम हेड टैग में यहाँ पे ऐड कर देते हैं CSS फाइल को। उसके बाद से हमें कैलसी .js फाइल्स को यहाँ पे ऐड करना है। इसके लिए हम बॉडी टैग में आते हैं और बॉडी टैग में यहाँ पे हमें टाइप करना होता है स्क्रिप्ट src। ठीक है, और जिस भी नेम से आपने सेव किया जावास्क्रिप्ट फाइल को वो यहाँ से आपको लिख देना है। मैंने यहाँ पे clcu से किया था, आप ध्यान रखें उसको जो भी आपने किया था। उसके बाद यहाँ से आपको इसे क्लोज कर देना है। मैंने इसे क्लोज कर दिया और इसे सिंपली इसे कंट्रोल एस कर देंगे ताकि ये सेव हो जाए। इसे भी हम यहाँ से कंट्रोल एस कर देंगे, सेव हो जाए, और इसे भी कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम रन करा के देखेंगे कि किस तरह से लुक हो रहा है, किस तरह से ये शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको रन कराने के लिए आपको पता ही है यहाँ पे हमें इसको कंट्रोल सी कर देते हैं, इसके पाथ को हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद से इसमें index.html की फाइल है, हम इसे ही रन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी फाइल्स को हमने index.html में ही ऐड कर रखा है।
और यहाँ पे हमें टाइप करना होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ओके, और से सिंपली इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक अलर्ट बॉक्स शो होके आ रहा है, ओपन कैलकुलेटर, मैंने किया ओके। और यहाँ पे लेटेस्ट को फिर से ओके किया। इतना करने बाद देखिए यहाँ पे एक कैलकुलेटर शो होके आ रहा है, यहाँ पे 3×2=6 यहाँ पे 6 शो हो रहा है। अब ये प्रॉपर अच्छे से नहीं शो हो रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मिनिमाइज कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ काफ़ी अच्छा शो हो रहा है, यहाँ पे से आप फिर से इसको देख सकते हो। इसे भी क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद 6×2=8, 6×2=12, ठीक है। फिर से अगर क्रॉस कर देंगे तो 2−1=1, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेटर वर्क परफॉर्म करेगा। और अगर आप इसका थीम जो है वो चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। तो देखिए इसका जो थीम हो गया वो काफ़ी डार्क हो गया। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इसका कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आपको जिस भी टाइप जिस टाइप में आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। और कोई और कलर आपको चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। या फिर काफ़ी यहाँ पे डार्क हो गया, फिर से यहाँ से करेंगे तो इसका कलर चेंज हो गया, येलो हो गया। और इस तरह से जितने जो भी कलर है आप इसे यहाँ से देख सकते हो। क्योंकि बहुत ही अच्छे से अपना एक अच्छा सा कैलकुलेटर आप क्रिएट कर लोगे, इसका सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।